जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, डेयरी फार्म को बर्बाद करने वाला कौन कौन सा पांच गलतियां होता है और कौन कौन सा पांच कमियां होता है जिसके कारण डेयरी फार्म बर्बाद होता है, और गलतियां क्या क्या नहीं करना है, और ये गलती करना नहीं है, और दूसरा नंबर कौन कौन सा ऐसा आपदा पांच मतलब आता है वो कारण होता है बर्बादी करने का, 10 चीज है, 100 चीज से अगर बच गए तो डेयरी फार्म जैसा कोई बिजनेस ही नहीं है। तो चलिए पांचों चीज बात करता हूँ, कौन सी अपनी गलती हुई और कौन सी पांच ऐसी कुदरती गलती है जिसके कारण की डेयरी फार्म बर्बाद होता है। वीडियो पसंद है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि नए बहुत सारे युवा खोलना चाहते हैं डेयरी फार्म, उनके तक वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने। तो दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है सुधा डेयरी मीडिया, मैं खुद का इसका बनाने वाला वीडियो हूं, और मैं ही खुद रोज़ वीडियो डालता हूं। ये कोई अलाय बलाय चैनल नहीं है कि कहीं से वीडियो उठा कर डाल दिया गया और कुछ भी बता दिया गया। जो भी हमारे साथ रोज़ नया नया घटना घटता है, जो भी अच्छा होता है बुरा होता है, सब कुछ आप लोग के सामने शेयर किया जाता है। तो वीडियो पसंद आता ही होगा, नहीं भी आता होगा तो थोड़ा कुछ कमियाँ होगा उसके चलते नहीं आता होगा, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अच्छा अच्छा जानकारी यहाँ ही मिलेगा। जो भी चीज़ है एकदम ज़मीनी स्तर पर हकीकत जानकारी मैं देता हूं। तो चलिए गलतियां जो जो अपनी होती है वो भी बताता हूं और पांच कमियां बताता हूं। तो सबसे पहला नंबर दोस्तों, पांच गलतियां हमारी क्या होती है जो डेयरी को बर्बाद करती है। सबसे पहला नंबर दोस्तों कि हम जो बजट बनाते हैं डेयरी खोलने का, मान लीजिए एक हम लेकर चलते हैं कि 5 लाख में हमें डेयरी शुरू करना है, 10 गाय पालन करना है, तो हम क्या करते हैं शुरुआती गलती कि अच्छा डेयरी फार्म का मतलब स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, शेड अच्छा बनवा देते हैं, नाद बनवा देते हैं, 5 लाख में से 2-3 लाख रुपया हम सेट के ऊपर ही खर्चा कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है डेयरी फार्म को बर्बाद करने का। दोस्तों, गाय अच्छी नहीं खरीद पाते हैं। गाय जैसे कि कहीं भी आप वीडियो देखे होंगे YouTube पर, जितना वहाँ बताया गया होगा कि 20 लीटर प्लस वाली ही गाय चाहिए तो जाके डेयरी सक्सेस होता है, फिर भी हम जान के गलतियाँ करते हैं कि 20 लीटर से नीचे वाली गाय खरीद लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलतियाँ होती है, दो गलतियाँ ये होती है। और तीसरा नंबर की गलती जो होती है दोस्तों अपना, कि मैनेजमेंट का कुछ भी हम अच्छे से सीखते नहीं है। देसी तरीका जो जब हमने गलती किया था शुरुआती में, जो हमारे घर पे पहले से जो चीज़ चलते आता था उसी को लेकर हम डेयरी फार्म शुरू कर दिए, और उसी हिसाब से शुरू करके और चालू कर दिए डेयरी फार्म, लेकिन उस टाइप से नहीं करना चाहिए। नया डेयरी फार्म खोलने के लिए, इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आते हैं। लगाव तो अलग बात है कि हम प्रेम करते हैं गाय से इसलिए आते हैं, लेकिन पैसा कमाने के वजह से आते हैं, रोज़गार के तौर पर आते हैं। तो सबसे पहले सीखना जरूरी है, कोई भी काम करना होता है तो सीखना पड़ता है, तो सीख कराना जरूरी है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर का दोस्तों गलती जो होता है अपने फार्म पे, कि लोग खिलाने में प्लानिंग जो करते हैं, जैसे खिलाने का टाइमिंग होना चाहिए हमारे फार्म पर, टाइमिंग जैसे होता है कि सुबह में अगर 3 बजे खिलाते हैं तो शाम को भी 3 बजे खिलाइए, दूध अगर 4 बजे निकालते हैं तो दोनों टाइम 4 बजे निकलना चाहिए। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि 4 बजे के जगह 3 बजे निकलवा देते हैं, 3 बजे के जगह 8 बजे निकाल दिए, कहीं भी चले गए घूम के आ गए, और दूध जब मर्जी आए तब निकाले, खाना जब मर्जी तब आया खिलाए, ये गलती होता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, रेगुलर टाइमिंग होना चाहिए, एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए, आधे घंटे प्लस माइनस टाइमिंग होना चाहिए, तब जाके सभी गाय स्वस्थ और दूध टाइम से अच्छा, फैट SNF सब कुछ मेंटेन करती है। और पाँचवा नंबर की सबसे बड़ी गलती होती है जो दोस्तों हमारा फीडिंग प्लानिंग, हर चीज़ हर लोगों का देख के, जैसे कि मैं YouTube पर वीडियो डालता हूँ तो कभी कृषि पालक, कभी माँ डेयरी, कभी अपना, कभी सुधा डेयरी, तो सभी का फीड हम चेंज करके देखते रहते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी कमी है, पैसा को लॉस डालने के लिए ये फीड बार बार चेंज होना, ये सबसे बड़ा नुकसान का जरिया है। फीड एक पकड़िए अच्छा या बुरा, फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट कीजिए कि यही फीड खिलाना है और उसी को खिलाइए, रिजल्ट मिलेगा। कोई भी फीड अगर रेगुलर चलेगा 4-5-6 महीना तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी भी कंपनी के ऊपर निर्भर रहकर डेयरी फार्म में फीड का अच्छा मुनाफा नहीं हो सकता। खुद का जब तक फीड नहीं होगा घर का, तब तक अच्छा मुनाफा नहीं हो सकता। कोई भी बड़ी कंपनी कितना भी कहे कि मेरा फीड खिला के ऐसा वैसा, मैं नहीं मानता हूँ, जब तक घर का नहीं होगा तब तक कहीं अच्छा फायदा नहीं होगा। ये 4-5 गलतियाँ जो है ये हमारी नहीं होनी चाहिए डेयरी फार्म में, तब जाके अच्छा होता है। अब दोस्तों कहाँ पर गलती, अब गलती जो होता है कुदरती नुकसान होता है, अब हमारी गलती कम होती है, अब कुदरती नुकसान होता है डेयरी फार्म में। इसके चलते HF गाय का फार्म करना है, HF गाय ही अच्छी दूध देती है, सबसे बड़ा चीज़ है। लेकिन दोस्तों HF गाय की सबसे बड़ी कमियां जो होती है,
रिपीटिंग समस्या फार्म को बर्बाद करता है। ये जो फार्म का बर्बाद करने का जो सिलसिला है, रिपीटिंग समस्या सबसे बड़ा समस्या है। ये किसानों के लिए सबसे बड़ा गंभीर समस्या है, डेयरी फार्मर के लिए। ये कुदरती समस्या है, ये अपना कुदरती है। इसको टालने के लिए कुछ ना कुछ तो है ही, लेकिन उपाय दवा मेडिसिन मेंटेनेंस सब कुछ है, लेकिन ये भी एक कमियां होती है। लेकिन ये गाय में अक्सर कमियां पाया जाता है। एचएफ गाय के अंदर और दूसरी कमियां जो होती है, मस्टाइटिस, थनेला बीमारी, ये सबसे बड़ा रोग का जरिया है। और दूध कम हो जाता है इस बीमारी में, और नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों ये दो कमियां हैं। उसके बाद तीसरी कमियां इस गायों के अंदर जो है, ज़्यादातर बीमार पड़ना, महीने में एक दो बार अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बीमार हो जाती है एचएफ गाय। ये सबसे बड़ा, ये भी एक नुकसान का जरिया होता है डेयरी फार्म में। तीन ये कमियां हुआ दोस्तों। चौथा नंबर में गिनती किया जाए तो एचएफ गाय का बिजनेस में, ये तो मतलब सबसे तीन इम्पोर्टेंट कमियां होता है कि लॉस में ले जाता है। बाकी बीमारी के अंदर सब कुछ आ गया, और सब बहुत सारा ऐसा जो है ब्रीडिंग का, ब्रीड में अच्छा सीमेन जो है, बच्चा नहीं मिलना, अच्छा चीज़ नहीं मिलना, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छा ब्रीड मिले, और हर जगह बिहार में नहीं मिल पाता है। ये लॉस जाने का सबसे बड़ा ये भी कमियां है कि बिहार में अच्छा सीमेन नहीं मिलता है। कोई भी अच्छा सीमेन का बछड़ी देखेंगे तो आप मेरे फार्म पर ही देखें तो, इतना सालों से काम कर रहा हूं, और एक दो के अलावा मेरे फार्म पर इतनी सारी बछिया, मैं 7-8 बछिया के अलावा कोई अच्छी बछिया नहीं है। और पंजाब हरियाणा जैसी तो कोई बछिया ही नहीं है हमारे अंदर। अगर वैसी बछिया मिल जाए 40-45 लीटर 35 लीटर वाली, तो मज़ा ही मज़ा है दोस्तों। ये सब कमियां है और बुराइयां है जिसके कारण डेयरी लॉस होता है। बाकी अगर ये सब चीज़ें ना रहे तो डेयरी फार्म जितना किसी फार्म में, किसी लाइन में मज़ा नहीं आएगा। इसमें सबसे बड़ा मज़ा आता है कि पैसा तो पैसा, साथ में मज़ा आता है कि मतलब एक अलग ही अपना रुतबा रहता है, अपना अलग ही एक मतलब दिमाग में बैठा रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये चीज़ सबसे बड़ा खलबली दिल में मचता रहता है कि हम सेवा कर रहे हैं, पैसा आए ना आए दिल में खुशी मिलता है। ये सब चीज़ें अगर नहीं हो फार्म में, गलतियां जो हमारी मैंने बताया, तो हमारा फार्म कभी भी फेल नहीं होगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आपसे पहले ही बता दिया आज कि अलाय बलाय चैनल नहीं रखा हूँ, चैनल जो है एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट जानकारियाँ देता हूँ। ये नहीं कि करोड़ों रुपया कमाइए, 2 गाय रखिए 2 लाख महीना कमाइए, 4 गाय रखिए 50,000 महीना कमाइए, ऐसा नहीं है। 2 गाय से 15-20,000 महीना कमा सकते हैं। लेकिन मैंने कल वीडियो जो डाला था, उस टाइप का गाय मिले तब उस टाइप से सक्सेस रहे। तो इस साइड में दोस्तों जितनी गाय देख रहे हैं, ये सभी गाय हमारी जो है बिना दूध देने वाली, किसी का 2 थन खराब, किसी का 3 थन खराब, किसी का 1 भी थन नहीं, पूरा थन का थन खराब है, ऐसा सब इस लाइन में ज़्यादातर गाय है। सभी गाय इसमें देखा जाए तो ज़्यादातर सभी गाय गाभिन भी है, लेकिन थन का बीमारी वाली है। ये सब सेवा के रूप में ही रखने वाला चीज़ है। बाकी फार्म में बहुत चीज़ होता है दोस्तों। मस्टाइटिस का बात किया था तो ये भी चीज़ समस्या, मस्टाइटिस से ही सभी गायों का, जिसका भी थन खराब हुआ है मस्टाइटिस से ही हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।